कुछ बोल किया जा रहा है। एलजी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब नहीं बोल रहे हैं, निकाली थी कि भाई इतनी पोस्टें हैं इसमें, इतनी पोस्टें हैं इसमें। अगर वहाँ पे आप प्राइस टैग लगा देते ना 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, तो हम भाई वो जमा करते। आप हमें घोड़ों पे नहीं देखते, आपके बच्चे नहीं है, या तो आपके बच्चे भी वैसे ही उन्हीं में आते हैं 25 लाख, आपको कोई चिंता ही नहीं है। केस आंसर की उसकी लीक होती है, उस पर हमारे चेयरमैन साहब को कुछ पता ही नहीं होता, वो एक गहरी नींद में होते हैं। 200 रुपए एक्स्ट्रा दे देते, जहाँ आपने 550 रुपए हमारी फी की, वहाँ पे हम आपको 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आपसे हमारे कुछ सवाल थे जिसके अभी भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हमने पूछा भाई आप ट्वीट करते हैं, आधे घंटे बाद आपका ट्वीट डिलीट हो जाता है, आपने क्यों किया ऐसा, आपको किसने ऑर्डर किया? उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। एक हंसी, एक अलग सी वो हंसी हमें ऐसे स्माइल करते हैं और उस सवाल खत्म हो जाता है। तो हमारे एलजी साहब कल बोलते हैं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, 2021 में इन्हीं एलजी साहब का यही भाषण था सेम, कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। भाई जो 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुए मार्च में, उनसे पहले भी ऐसा कहा गया कि भाई जैमर लगाए जाएंगे, सीसीटीवी लगाया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैमर से पता लगा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, क्या सीसीटीवी से पता चल सकता है हर एक कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है? मैं ये कहना चाहूंगी सर, आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, हैकिंग क्या होती है। ये एग्जाम सेंटर के अंदर बैठ के नहीं होती है, अलग स्टेट में भी बैठ के हो सकती है, घर पे बैठ के हो सकती है, अलग कंट्री में भी बैठ के हैकिंग हम आराम से कर सकते हैं। वही हुआ लेह में जो अभी रिसेंटली पेपर लीक होता है KVS का, वो आप तक ही लीक करवाती है, और हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं कि भाई इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और वो डिफेंड करते हुए हमें नजर आते हैं, बोलते ये ब्लैकलिस्टेड थी भाई, मई तक ब्लैकलिस्टेड थी। तो ये जो लीक हुआ आप तक का ये नए का पेपर, ये पुराना नहीं है, ये अभी फैक्ट की बात है जो मैं न्यूज में, मैं समझ सकती हूँ। मैंने भी 12-12 घंटे 16-16 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ा, जो कि पिछले साल एग्जाम भी वो स्क्रैप हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, JKSSB के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी जब हम उनके अगेंस्ट बोल रहे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब नहीं आती है जब स्क्रैप होते हैं 3 मेन एग्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब नहीं आती है जब स्कैमर्स को पकड़ा जाना चाहिए था। कहते हैं भाई हम स्कैमर्स को पकड़ेंगे, कहाँ है स्कैमर, वो तो हमारे साथ बैठ के उन्होंने ऐसे का एग्जाम दिया है। ये कहना चाहूंगी कितने बच्चों को मिसगाइड एक बंदा करेगा, आप देख सकते हैं कितने टाइम तक कर सकता है कोई किसको भी मिसलीड। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, श्रीनगर में प्रोटेस्ट हो रहा है, पुंछ में, उधमपुर में कल रिसेंटली हुआ, इतने बच्चे किसी के बातों में आएंगे क्या? और सर हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं ये तो ये कैंडिडेट है ही नहीं है, एस्पिरेंट्स ही नहीं है, सीरियस एस्पिरेंट्स नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, जेन्युइन एस्पिरेंट्स नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी सर आप एक लिस्ट बना लें, उनमें हमें बताइए हार्ड वर्किंग, जेन्युइन एस्पिरेंट्स, सीरियस एस्पिरेंट्स कौन से वाले हैं ये, और हम कहां फॉल करते हैं इनकी नजरों में। और कहते हैं भाई ये कैंडिडेट्स नहीं है, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। हाँ जी बिल्कुल, कैंडिडेट्स के सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्ट नहीं है, इसमें वो ही नहीं उठेंगे, एक आम आदमी कोई भी उठेगा उसी सोसाइटी में। जब कोई अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं सभी, वाहवाही की जाती है, उसी सोसाइटी में जब गलत किया जाएगा, एक बार नहीं दो बार बार बार, और किया जा रहा है, अब तक को सपोर्ट किया जा रहा है। एलजी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब नहीं बोल रहे, हम चुप भी बैठेंगे ना उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं, हमें आवाज उठानी है भाई हमारे हक के लिए। नौकरियों का ये मसला है, हमारी जॉब आप किसी और को दे देंगे? जब आपने एडवर्टाइज निकाली थी कि भाई इतनी पोस्टें हैं इसमें, इतनी पोस्टें हैं इसमें, अगर वहां पे आप प्राइस टैग लगा देते ना 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, तो हम भाई वो जमा करते। आप हमें घोड़ों पे नहीं देखते इतने समय से, हम वो जमा करते आपको देते और नौकरियां ले लेते। हम चिल्लाते नहीं ऐसे, बार बार प्रोटेस्ट नहीं करते, इतनी धूप में किसी को शौक अपने घर से निकलने का? हम आपके बच्चे में, ये आपके बच्चे नहीं है, या तो आपके बच्चे भी वैसे ही उन्हीं में आते हैं 25 लाख, आपको कोई चिंता ही नहीं है। हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है, अगर होते भी हम तभी गलत चीज नहीं करते, हम अपनी मेहनत से आते लिस्ट में। जो हमारे पुराने चेयरमैन साहब बोलते बोला उन्होंने, मैरिट किसी का लिहाज नहीं करता, बिल्कुल, अगर वो बच्चे 25 लाख वाले आ जाएंगे हमारा कहीं नंबर नहीं होगा, वो तो किसी के लिहाज नहीं ना करेंगे। तो देखिए उन भाइयों की तरफ देखिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, क्या वो फिर से दे सकते हैं? एलजी साहब, चेयरमैन साहब, इस बात पे टिप्पणी करिए आप, जिस भाई का लास्ट अटेम्प्ट था
जिसने इतनी मेहनत की, इतने एक साल से, दो साल से, चार चार पांच पांच सालों से वो पढ़ रहे थे एसआई के लिए, उनका लास्ट फिर से कोर्ट में है केस, आंसर की उसकी लीक होती है, उस पर हमारे चेयरमैन साहब को कुछ पता ही नहीं होता, वो एक गहरी नींद में होते हैं, और नींद कब खुलती है उनकी, जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिला, वो वहां पे भी एपटेक को डिफेंड कर रहे हैं, नहीं भाई एपटेक थी ब्लैक लिस्टेड, नहीं तक थी ब्लैक लिस्टेड, हमने क्रॉस चेंज किए, वो खुद ही सब कुछ बोले जा रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने खुद बोला है, और नहीं का उनको पता ही नहीं है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है, तुम लाखों एस्पिरेंट के साथ खेल रहे हैं, तुम्हें जानकारी नहीं रखनी चाहिए कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं, इसने क्या किया क्या नहीं किया, बोलते भाई हमें उसकी जानकारी नहीं है, 70 रुपए इसमें थोड़े कम थे, तभी हमने इस कंपनी को प्रेफर किया, 70 रुपए हम आपको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा दे देते, जहां आपने 550 रुपए हमारी फी की वहां पे हम आपको 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार थे, मगर आपको आप तक को आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। अगर आपकी जो हमें नहीं पता सर ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, हमें इस चीज का बिल्कुल नहीं पता है, हाँ जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की जाती हम ऐसे ही प्रोटेस्ट पे आते रहेंगे। लाठी चार्ज भी हमारे साथ इन्होंने इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन किया, हमारी एक बहन के कपड़े फाड़े गए, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की किसी ने, उस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी ना, ऐसे तो बहुत बोलते बेटी बचाओ, ये बेटियों के लिए ये किया है वो किया, क्या किया है, उसके कपड़े फाड़े, लाठी चार्ज किया, उस पर भाई किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। नहीं सर, हमारी यूटी में जहाँ पे रातों रात हमारा इंटरनेट बंद किया जाता है, 370 को रिमूव किया जाता है, वहाँ पे ये एपटेक क्या है, ये तो 10 मिनट का क्या, ये कुछ सेकंड का काम है, मगर इस पे मैं यही कहना चाहूंगी इनमें इन्वॉल्व है JKSSB, तभी ये कुछ बोल नहीं रही है, एपटेक को डिफेंड किए जा रही है, ये बहुत बड़ा करप्शन का मसला है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स इन्वॉल्व है, जो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, तभी ये उनका साथ दे रही है, हमारा नहीं दे रही है।